Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। तो हम परसेंटेज के पहले जो कुछ टाइप्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं नए टाइप के साथ आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज कुछ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सों में कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये जो टाइप है, आज वाला जो टाइप है, इससे पहले वाले जो टाइप हमने पढ़े हैं उसमें दो टाइप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट थे। एक इनिशियल फाइनल वाला, उसका प्रयोग पूरे अर्थमेटिक में है, और एक भाग वाला। वो टाइप तो दो बहुत ही इंपोर्टेंट थे, लेकिन जो ये कमीशन वाले क्वेश्चन है ये ज्यादा एग्जामों में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये परसेंटेज के जो कंसेप्ट है उन्हीं से रिलेटेड है और उन्हीं से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप कमीशन को समझेंगे, कमीशन है क्या और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनका मतलब क्या है, ये सारी चीजें पहले हम टॉपिक के बारे में, इस टाइप के बारे में समझेंगे। और उन सारी चीजों को समझने के बाद फिर हम टाइप पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आज की क्लास के पहले टाइप, आज की क्लास के टाइप पर जिसमें हम कमीशन को पढ़ेंगे। तो देखो भाई, कमीशन है क्या? तो आज की क्लास में हम कमीशन को पढ़ने वाले हैं, कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले समझेंगे चीजों को फिर हम क्वेश्चनों पर जाएंगे। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कमीशन में, अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें तो कोई कंपनी कुछ आर्टिकल सेल करने के लिए एक विक्रेता नियुक्त करती है। जो कंपनी होती है वो अलग अलग विक्रेता नियुक्त करती है जो आर्टिकलों को सेल करने जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मार्कर देख लीजिए, एक मार्कर, ये मार्कर मान के चलो 20 रुपए का है और कंपनी ने इसको बनाया है। तो जिस कंपनी ने इसको बनाया है मान के चलो वो ये मार्कर देने के लिए, बेचने के लिए सेलर को देती है। तो आपने देखा होगा घर घर पे विक्रेता आते हैं, वो चीजों को बेचते हैं और बेचने के बाद जो मतलब पैसे हैं वो ले जाते हैं। जैसे मान के चलो ये मार्कर 30 रुपए का एक सेलर ने बेचा, ये मार्कर बेचने के लिए वो आया। तो इस एक मार्कर में कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री, उसके लिए सेलर को, विक्रेता को प्रमोट करने के लिए उस वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें कुछ उसका कमीशन फिक्स कर देती है। तो उस कमीशन, जैसे मान के चलो एक तो भाई किसी भी काम करने के लिए कंपनी को रखने का तरीका, जैसे सेलर विक्रेता को कंपनी एक तो इस तरीके से रख सकती है कि उसकी पर महीने की सैलरी फिक्स कर दे, तो वो हो गया। उसके अलावा जो कमीशन है वो क्या है, कमीशन क्या होता है कि जो आर्टिकल उसने सेल किया है उसके कुछ मूल्य पर उसका कमीशन रहता है कुछ परसेंट, और वो जो कमीशन होता है वो जो है सेलर का लाभ होता है, बाकी का कंपनी के लिए होता है। तो आप इस चीज को, कमीशन को बड़ी आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसने मीडिएटर जब बीच में बन जाता है, कोई व्यापार में कोई व्यक्ति जब मीडिएटर बन जाता है बीच में, जैसे एक कंपनी हो गई, कंपनी के बीच में सेलर हो गए और एक खरीदने वाला हो गया, तो खरीदने वाला और कंपनी के बीच में एक मीडिएटर हो गया सेलर, बेचने वाला। ऐसे ही मान के चलो कोचिंग में एडमिशन लेता है कोई विद्यार्थी, तो वो डायरेक्ट हमारे पास आता है, तो इसका मतलब हमें वो फीस देगा, हम उसको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो वो बीच में किसी को नियुक्त कर लेता है, किसी व्यक्ति के जरिए आता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति बीच में कुछ कमीशन ले ले। जैसे मान के चलो हमारी 5,000 फीस है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई 6,000 है विद्यार्थी से, और हमारे पास उसको लेके आएगा, 5,000 हम पे जमा कर देगा, बाकी का 1,000 वो बचा लेगा। तो कमीशन यही है, कमीशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बिक्री करता है तो उस बिक्री में से कितना प्रतिशत उसको मिलेगा, बाकी का कंपनी को जाएगा, यही कमीशन है। मतलब एक तरह से किसी भी आर्टिकल को बेचने पर उसका उसमें कुछ परसेंटेज होता है, उसी को हम विक्रेता का लाभ कहते हैं या कमीशन कहते हैं। तो देखो समझ लेंगे कमीशन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो देखो इसमें एक तो होती है, कंपनी ने जो विक्रेता नियुक्त किया है वो एक दिन में या एक महीने में कुछ न कुछ विक्री करेगा, तो कुछ न कुछ विक्री करेगा उसको हम कहेंगे टोटल सेल्स। विक्रेता ने कुल विक्री कितने की, तो टोटल सेल्स का मतलब होता है विक्रेता ने कुल विक्री कितने की, और टोटल सेल्स की वैल्यू बराबर होती है कि
देखिए टोटल सेल्स में से कंपनी को कितने रुपए जाएंगे, मतलब कंपनी का शेयर कितना है, तो टोटल सेल्स जब होती है कितने रुपए की टोटल बिक्री हुई उनमें से, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कंपनी का हिस्सा होता है, एक कंपनी का हिस्सा होता है कंपनीज शेयर, कंपनी का हिस्सा हो गया और प्लस कमीशन होता है। तो यहां पर कुल बिक्री किसी भी विक्रेता ने कितनी की वो मान बराबर होता है कि विक्रेता को कमीशन कितने रुपए मिला प्लस कंपनी का हिस्सा क्या है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुल बिक्री विक्रेता ने कितनी की, मतलब कितने रुपए की सेल्स की, कुल बिक्री का मान बराबर होता है कंपनी को उसने कितने रुपए लौटाए, मतलब कंपनी का उसमें क्या है, कंपनी का हिस्सा क्या है, उसके अलावा कमीशन कितना है, उसे हम भी कह देते हैं। तो उसका कमीशन क्या है, इसी चीज को कमीशन को कभी कभी वो कह देता है, विक्रेता का लाभ कह देता है, और ये जो कंपनी का हिस्सा है वो तो कंपनी को जाएगा। इसका मतलब किसी भी विक्रेता ने कुल कितनी बिक्री की ये वैल्यू बराबर होती है, उसे कितने रुपए कमीशन के रूप में मिले और बाकी के रुपए जो कंपनी को जाने हैं वो, तो कंपनी का शेयर प्लस कमीशन की जो वैल्यू है वो टोटल सेल्स के बराबर होती है। अब यहां से इतनी बात तो आप समझ ही सकते हैं कि जब कुल बिक्री का मान कंपनी के शेयर और कमीशन के, अब मैं शॉर्ट में चलूंगा भाई, ज्यादा सारी चीजें नहीं लिखूंगा, बस ये मेन चीज है टोटल सेल्स बराबर होती है कंपनी की बिक्री और प्लस कमीशन के। अब मान के चलो अगर हमें उसने टोटल सेल्स दी हो और कमीशन दिया हो तो आप वहां से कंपनी का शेयर कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल बिक्री में से और कमीशन को घटा दो तो कंपनी का शेयर आ जाएगा। ऐसे मान के चलो हमें कुल बिक्री दी है और कमीशन पता है तो कंपनी का शेयर निकाल लिया। ऐसे मान के चलो हमें कुल बिक्री पता है और कंपनी का हिस्सा पता है, तो मैं अगर कंपनी के हिस्से को कुल बिक्री में से घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें इधर उधर ट्रांसफर करने पर जो चीजें हैं, जैसे कमीशन को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कंपनी के हिस्से को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यही वाली चीज है। तो टोटल सेल्स को अगर इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से इसी चीज को समझें, तो मान के चलो कि अगर किसी विक्रेता ने 80,000 की बिक्री की, मान के चलो किसी विक्रेता ने 80,000 की बिक्री की और अपना कमीशन काटने के बाद उसने कंपनी को 70,000 रुपए लौटाई, ये वाली दोनों चीज पता है। तो अब तीसरी चीज पता होने की जरूरत नहीं है, वो आप मुझे खुद बता दोगे कि सर अगर उसने 80,000 रुपए की बिक्री की है और उसने 70,000 कंपनी को लौटाए हैं, तो अगर मैं 80,000 में से 70,000 को घटा दूंगा तो बाकी का जो 10,000 है वो बिक्री कमीशन आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर कुल बिक्री 80,000 है तो 70,000 अगर कंपनी का हिस्सा होगा तो बाकी का जो 10,000 बचेगा वो कमीशन हो जाएगा। ऐसे मान के चलो अब इस चीज को छुपा लेते हैं, उसने कहा कि 80,000 की बिक्री में से 10,000 कमीशन के रूप में गए तो कंपनी को कितने रुपए लौटाएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, कुल बिक्री में से कमीशन को घटा देंगे तो कंपनी को कितने रुपए गए ये चीज निकल के आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन भाई इतनी आसान नहीं आएंगे एग्जाम में, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो आगे देखेंगे। पहले बस समझ लें कुल बिक्री क्या होती है, विक्रेता ने कुल कितने रुपए की बिक्री की, कंपनी का हिस्सा क्या होता है कि उसमें से कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे जो बिक्री हुई है, उसके अलावा जो कमीशन है वो कितना, कमीशन का मतलब जो बेच रहा है उसका लाभ भी कह सकते हैं कमीशन को, उसका प्रॉफिट भी कह सकते हैं कमीशन को। ये तो हो गया आपका सिंपल सी लैंग्वेज में। उसके अलावा एक और चीज जो समझने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कमीशन का जो परसेंटेज होता है, कमीशन का जो परसेंटेज होता है, अगर हम कमीशन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चन इस पर आधारित आएंगे, कमीशन आपको परसेंटेज में दिया होगा, कमीशन परसेंटेज आपको दिया है, मान के चलो उसने कहा कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर मान के चलो 4% का कमीशन मिलता है, तो जब आप कमीशन परसेंट उसने कहा ना 4% का कमीशन मिलता है, तो इससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कमीशन परसेंट की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/25। तो जब कमीशन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने पर रिजल्ट हमेशा ऊपर आता है, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, या जो वैल्यू है वो ऊपर आती है और जिस पर कैलकुलेशन करते हैं वो नीचे आता है। तो कमीशन का जो प्रतिशत होता है वो कैलकुलेट किया जाता है कुल बिक्री पर। तो जब कभी भी कमीशन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे नीचे जो रेशियो आएगा वो कुल बिक्री का आएगा। मेरे कहने का मतलब
टोटल सेल्स का रेशियो आएगा, कुल बिक्री का रेशियो आएगा, और आएगा वो आएगा विक्रेता को कमीशन कितने रुपए मिला। और वो क्यों आता है ये मैं आपको परसेंटेज में शुरू से बताते आ रहा हूं कि जो परसेंटेज दिया होता है उसका मान हमेशा ऊपर आता है। तो ये बताइए कि ये 4% क्या है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा कि ये 4% क्या है तो आप कहेंगे सर ये कमीशन का परसेंट है, तो इसका मतलब जब ये कमीशन का परसेंटेज है तो ऊपर कमीशन ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने पर जो परसेंटेज में मान होता है वो जो होता है वो मान ऊपर आता है और उसको जिस पर कैलकुलेट करते हैं वो मान नीचे आता है। तो कमीशन है ये तो कमीशन तो आएगा ऊपर, और कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है कुल बिक्री पर तो कुल बिक्री का मान आएगा नीचे। अब यहीं से मैं आपसे कहूं कि बताइए वो कंपनी को कितने रुपए लौटाएगा, तो उसके लिए आप कहेंगे सर 25 टोटल बिक्री है, एक का कमीशन है, तो 25 में से अगर एक को माइनस कर दें तो बाकी का जो 24 बचेगा ये सर कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब कंपनी को कितने रुपए आएंगे ये निकल के आ जाएगा। तो यहां से एक चीज तो हमने ये समझी कि कुल बिक्री बराबर होती है कंपनी का हिस्सा प्लस कमीशन। उसके बाद दूसरी चीज हमने ये समझी कि कमीशन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ऊपर आता है विक्रेता को कमीशन कितना मिला और नीचे आती है कुल बिक्री, और अगर कुल बिक्री में से कमीशन को माइनस कर दें तो निकल के आ जाता है कंपनी को हिस्सा कितना गया। अब यहां से क्या होगा, इन तीनों रेशियो में से एक रेशियो का मान निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, दूसरा मान पूछा होगा। जैसे मान के चलो उसने कमीशन दिया 5000, तो एक रेशियो का मान 5000 हो गया, कुल बिक्री के लिए 25 रेशियो का मान निकालेंगे, कंपनी के शेयर के लिए 24 रेशियो का मान निकालेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि कमीशन का जो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो कमीशन प्रतिशत कितने परसेंट का कमीशन है, ये वाली जो चीज है कमीशन का परसेंटेज बराबर होता है विक्रेता को कितने रुपए का कमीशन मिला, वो वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, वो वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, और उसके अलावा विक्रेता को कितने रुपए का कमीशन मिला ये वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, और टोटल बिक्री मतलब कुल बिक्री कितनी है टोटल सेल्स हमेशा नीचे रहेगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस कमीशन को मैं जो कमीशन लिखा है इस कमीशन को मैं प्यारे विद्यार्थियों लाभ भी कह सकता हूं, किसका, विक्रेता का। अगर उसने कहा विक्रेता का लाभ इतने परसेंट है तो आपको तुरंत माइंड लगा लेना है कि अगर उसने लाभ परसेंट की बात की है तो वो भी कमीशन ही है, विक्रेता का लाभ ही कमीशन है, और कुल बिक्री जितने रुपए की बिक्री हुई और कंपनी का शेयर कुल बिक्री में से कमीशन को हटाने के बाद, तो अगर मैं प्रॉफिट भी लेके चलूं तो भी वो आता है। तो अगर हमें कमीशन परसेंटेज निकालना होगा तो कितने रुपए का कमीशन है वो ऊपर, कुल बिक्री कितने की है वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100 तो कमीशन का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और जब कमीशन परसेंट की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर आता है कमीशन, नीचे आती है कुल बिक्री, कुल बिक्री में से कमीशन को घटा देंगे तो कंपनी का शेयर, वो कैसे, वो आपके सामने ऊपर लिखा है, इस फॉर्मूले से हम चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुल बिक्री कंपनी के शेयर प्लस कमीशन के बराबर होती है, उसके अलावा कमीशन परसेंट का फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कमीशन बटे टोटल सेल्स निकल के आता है, उसमें से इसको घटा दें तो कंपनी का शेयर आ जाता है, उसके अलावा कमीशन परसेंट बराबर होता है कितने रुपए की बिक्री हुई और कुल बिक्री पर हमेशा निकालेंगे और मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब यह है कि कमीशन परसेंटेज जब कभी भी हम कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन परसेंटेज को हमेशा कुल बिक्री पर कैलकुलेट किया जाता है, बस आपको यह ध्यान रखना है। यह बहुत ही, जो मैं ये चीजें बता रहा हूं ये चीजें क्वेश्चनों में यूज होंगी भाई, इसलिए बता रहा हूं हल्के में ना ले इन चीजों को, मैं ये चीज बता रहा हूं कमीशन परसेंट कहां कैलकुलेट करते हैं, कमीशन परसेंटेज को हमेशा कुल बिक्री पर कैलकुलेट किया जाता है, कमीशन का प्रतिशत कुल बिक्री पर कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि परसेंटेज में यही सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है कि वैल्यू को हम कहां कैलकुलेट करें, किस वैल्यू पर कैलकुलेट करें। तो कमीशन परसेंटेज को हमेशा कैलकुलेट करते हैं कुल बिक्री पर, तो कमीशन परसेंट जब कभी भी हमें निकालना होगा तो कमीशन कितने रुपए है ये लिखेंगे ऊपर और कुल बिक्री कितनी है वो नीचे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कमीशन का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। उसके अलावा देखो सारी चीजें बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सारी चीजों को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझेंगे। जब तक समझ में नहीं आ जाएंगी तब तक हम क्वेश्चनों पर नहीं चलेंगे भाई, पहले कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पूरा, तब हम क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अब देखो यहां पर हम ये जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो किसी विक्रेता ने, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये एग्जांपल है, मान के चलो किसी विक्रेता टोटल सेल्स, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं टोटल सेल्स को, लिखूंगा केवल टीएस, टोटल सेल्स,
टोटल सेल्स मान के चलो किसी विक्रेता ने 8000 रुपए की, और इस 8000 रुपए में उसने कमीशन का परसेंटेज दिया है हमको, उसने कमीशन का परसेंटेज दिया है कि भाई विक्रेता को बिक्री पर 2% का कमीशन है। तो आप यहां से अब आप कमीशन और वो सारी चीजें कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि अगर हमें से उसने केवल ये पूछा है कि बताइए कमीशन कितने रुपए हुआ, तो भाई कमीशन को हमेशा टोटल सेल्स पर निकाला जाता है। तो अगर मैं निकालूंगा कि कमीशन कितने रुपए हुआ, शॉर्ट में लिख देता हूं, तो कमीशन निकालेंगे तो 8000 का सीधा 2% मान निकाल देंगे, तो कमीशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई कमीशन 2% है, तो इस 8000 का जो 2% मान होगा वही तो कमीशन होगा, तो कमीशन कितना हो जाएगा? 160 रुपए। उसके बाद अगर हमें निकालना है कंपनी को कितने रुपए जाएंगे, तो 8000 रुपए में से 160 रुपए का कमीशन हो जाएगा, बाकी का शेष जो बचेगा वो कंपनी को चला जाएगा। तो 8000 में से 160 को माइनस कर देंगे तो कंपनी को कितने रुपए गए ये निकल के आ जाएंगे। तो कंपनी के रुपए निकालेंगे तो 8000 रुपए में से 160 को माइनस कर देंगे, तो 160 को माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7840। तो 7840 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कमीशन जो परसेंट है 2% वो टोटल सेल्स पर कैलकुलेट किया जाता है। टोटल सेल्स हमें 8000 दी थी, तो हमने इसका 2% मान निकालेंगे तो भाई वो कमीशन आ जाएगा। तो कमीशन कितना आ गया, 160 आ गया। उसके बाद जो कमीशन 160 है और कुल बिक्री 8000 की है, अब हमें कंपनी का शेयर निकालना है, मतलब कंपनी को कितने रुपए लौटाएगा। तो हमेशा विक्रेता कंपनी को अपना शेयर काटने के बाद लौटाता है। तो 8000 रुपए में उसका शेयर कितना है, 160 रुपए का शेयर है, तो 8000 में से 160 को माइनस कर देंगे तो कंपनी का शेयर कितना आ जाएगा, 7840 आ जाएगा। इस प्रकार से चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर बस ये आपको ध्यान रखना है, समझने वाली बात क्या है, एक तो ये कि कुल बिक्री कंपनी का शेयर प्लस कमीशन, दूसरी बात कमीशन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने पर ऊपर कमीशन नीचे कुल बिक्री और कंपनी का शेयर आता है। कमीशन परसेंट निकालने के लिए कमीशन कितने रुपए, कुल बिक्री कितनी है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कमीशन का परसेंटेज आता है। इसी चीज को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, इस तरीके से 2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालता है 1/50, 50 में से 1 को घटाकर 49 रेशियो कंपनी का शेयर हो जाता है, 1 रेशियो कमीशन हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो है कमीशन का कंसेप्ट है, कमीशन क्या है, उसके अलावा कुल बिक्री क्या होती है, कंपनी का शेयर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो आज की क्लास में आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज पर और जो क्वेश्चन यहाँ पे है अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है तो उसको जो मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट होता है, पीपीटी टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चनों वाले वीडियो में जो 9वां पार्ट है उसमें थोड़ी सी 5वें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, उसमें पीपीटी में जो उसने कुल मतों का कहा है वो एक्चुअली कुल मतों का है और उसमें पीपीटी में टाइप हो गया वैध मतों का, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके आधार पर आप क्वेश्चन को समझें, जो मैं बोल रहा हूँ पीपीटी में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो आज की क्लास का कमीशन का पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो एक कंपनी विक्रेता को 4% कमीशन देती है, विक्रेता कुल बिक्री से कमीशन काटकर 48000 रुपए कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि 4% का कमीशन विक्रेता को कंपनी देती है, वो अपना कमीशन काटने के बाद 48000 रुपए कंपनी में सबमिट कराता है, तो बताइए कुल बिक्री कितने रुपए है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो बेसिक टाइप के, पहले हम बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पहला क्वेश्चन आज कमीशन का ये बताया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूं। आप कहेंगे सर ये एग्जाम में नहीं आने वाला तो क्यों करा रहे हैं, ये केवल आपके कमीशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने बनाए हैं, जिससे कि आप यहां से छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको समझ जाओ, उसके बाद हम जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस आप समझेंगे कमीशन क्या है ये सारी चीजें, तो वो चीजों को समझने के लिए क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन को, अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन समझेंगे। सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चनों का, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें कमीशन का परसेंट दिया है उसने, तो कमीशन का परसेंट दिया है 4%, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/25।
उसके बाद हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम कमीशन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर तो आता है विक्रेता का लाभ, मतलब सेलर जो विक्रेता है, मैं लिख देता हूं सेलर का प्रॉफिट कितना है, वो तो आता है ऊपर सेलर्स शेयर, विक्रेता का हिस्सा तो आएगा ऊपर, इसको हम लाभ भी कह देते हैं, विक्रेता का कमीशन भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या विक्रेता का हिस्सा भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो नीचे आएगा वो आएगी कुल बिक्री, विक्रेता ने कितनी की उसका रेशियो। जब कभी भी किसी भी कमीशन परसेंट का फ्रैक्शन में मान निकाला जाता है तो विक्रेता ने कुल कितनी बिक्री की उसका रेशियो हमेशा नीचे आता है और कमीशन हमेशा ऊपर आता है, क्योंकि कमीशन परसेंट बराबर होता है कमीशन वर्सेस टोटल सेल्स, मतलब कमीशन के परसेंट को हमेशा कुल बिक्री पर कैलकुलेट किया जाता है। इस वजह से नीचे कुल बिक्री आती है और ऊपर जो है वो कमीशन आता है। तो 24 जो है ये कुल बिक्री है, 25 कुल बिक्री उसने की, एक चला गया कमीशन में, तो कंपनी को कितना लौट आएगा, कंपनी को कितना लौट आएगा, उसके लिए 25 में से एक को माइनस करेंगे तो बाकी का जो बचेगा 24 ये निकल के आएगा भाई कंपनी को कितने रुपए लौटाए उसने, कंपनी का शेयर निकल के आ जाएगा, ये कंपनी का शेयर निकल के आ जाएगा। तो कंपनी का शेयर ही है ये, कंपनी का मतलब कंपनी का हिस्सा, ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपनी का हिस्सा है, मैं पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा लिख देता हूँ, कंपनी का शेयर है ये, तो कंपनी का शेयर कितना हो गया 24 रेशियो। जब कभी भी आप कमीशन परसेंट का फ्रैक्शन में मान बताएंगे तो ऊपर कमीशन आएगा, नीचे कुल बिक्री आएगी, कुल बिक्री में से कमीशन को घटाएंगे तो कंपनी का शेयर आ जाएगा। इन तीनों में से एक रेशियो का मान निकालने के लिए कोई मान आपको एक परफेक्ट में दिया होगा, तो उसे देखेंगे क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि विक्रेता अपना लाभ काटने के बाद कंपनी को 48,000 रुपए लौटाता है, इसका मतलब कंपनी का हिस्सा दिया है, और कंपनी के हिस्से का रेशियो यहां पर कितना है, तो कंपनी के हिस्से का रेशियो है 24, तो इसका मतलब यहां पर कंपनी को 24 रेशियो जा रहा है, और उसने क्वेश्चन में कहा है कि 48,000 रुपए जाता है, तो 24 रेशियो का मान 48,000 रुपए के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो एक रेशियो के मान के लिए 24 यहां बट्टे में चला जाएगा, तो 24 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 24 दूनी 48, तो एक रेशियो का मान बराबर आ जाएगा 2000 के। उसके बाद क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, उसने कहा है बताइए कुल बिक्री कितने रुपए की, इसका मतलब जो एक रेशियो का मान निकल के आया ये क्या निकल के आया है, कमीशन, उसने पूछा है कुल बिक्री, तो अब उसने पूछा क्या है कुल बिक्री, तो कुल बिक्री का रेशियो कितना है वो देखेंगे, तो कुल बिक्री का रेशियो 25 रेशियो का मान हमें यहां पर निकालना है, तो 25 रेशियो का मान निकालेंगे तो 25 रेशियो का मान बराबर हो जाएगा, एक रेशियो का मान 2000 है मल्टीप्लाई 25 रेशियो का मान हमें निकालना है, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3 और 25 दूनी 50, इसका मतलब 50,000 रुपए जो है उसने टोटल बिक्री की। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कभी भी हमको कमीशन परसेंटेज दिया होगा तो कमीशन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, ऊपर कमीशन आएगा, नीचे कुल बिक्री आएगी, और उसमें से इसको घटा देंगे तो कंपनी का शेयर आ जाएगा। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज एक रेशियो का मान निकालने के लिए दी होगी, हमको देखना पड़ेगा क्या दिया है। तो उसने कहा है कि विक्रेता अपना लाभ काटने के बाद कंपनी को 48,000 लौटाता है, तो 24 रेशियो का मान हो गया भाई, 24 रेशियो तो है कंपनी का हिस्सा, एक रेशियो का मान निकाल लिया, कुल बिक्री पूछिए तो 25 रेशियो का मान, आंसर आ गया 50,000। तो यही चीज मैंने आपको भी पीछे कंसेप्ट में बताई थी, वही तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आई है। इसी चीज को अगर मैं परसेंटेज के बेसिक तरीके से इस चीज को समझूं तो इस चीज का मतलब क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है, अगर परसेंटेज के टोटल उससे देखें तो टोटल सेल्स जो होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो टोटल सेल्स होती है वो होती है हमेशा 100%, और जितना कमीशन है वो निकल जाएगा इसमें से अलग, तो 100% में से कमीशन कितना है भाई, तो कमीशन उसने कहा है 4%, तो वो निकल जाएगा अलग, बाकी का जो बचेगा 96% वो हो जाएगा कंपनी का लाभ। अगर आप परसेंटेज से करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये 10-10 तरीकों से नहीं, बस चीजों को समझ में आनी चाहिए चीजें, तो आप कैसे भी करें हर तरीके से सॉर्ट ही कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। तो टोटल सेल्स जो है यहाँ पर 100% होगी, उसके बाद ये टोटल सेल्स दो भागों में बढ़ती है, एक विक्रेता के लिए और एक कंपनी के लिए, तो ये कंपनी का 96%, तो मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट में बताया था कि कंपनी का शेयर प्लस सेलर का शेयर दोनों का जोड़ हमेशा टोटल सेल्स के बराबर होता है, तो उसने हमें कमीशन दिया था 4%, तो जो कमीशन होता है वही तो विक्रेता के लिए जाता है, तो सेलर का शेयर 4% हो गया, तो 100 में से 4% सेलर के लिए चला जाएगा, तो बाकी का कितना बचा 96%, वो किसका होगा, कंपनी का। ऐसे यहां पर
अब देखो 1% का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो उसने कहा है कंपनी का हिस्सा 48,000 है, तो कितने परसेंट का मान होगा, 96% का मान बराबर होगा। पहले बिल्कुल समझ लेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को समझ लेंगे, फिर स्पीड से चलेंगे। तो 48 से कैंसिल होगा दो बार, दो से कैंसिल ये कितने बार, 500% का मान कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1% का मान बराबर हो जाएगा 500 के। उसने हमसे क्या पूछा है, कुल बिक्री, तो कुल बिक्री का रेशियो कितना है 100%, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान बराबर हो जाएगा 50,000 के। तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, 50,000। तो ये जो मैंने सॉल्व कर दिया, इसको सिंपल परसेंटेज के तरीके से सॉल्व कर दिया, ये जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो सिंपल परसेंटेज के तरीके से सॉल्व कर दिया भाई। टोटल सेल 100% होती है, इस 100% में दो चीजें हैं, विक्रेता का लाभ और कंपनी का। विक्रेता का दिया है 4%, तो कंपनी का हो जाएगा 100 में से 4 को घटाएंगे 96%। उसके बाद 1% का मान निकालने के लिए कंपनी का दिया है, तो कंपनी के परसेंटेज का मान उसके बराबर रखेंगे, 1% का मान निकालेंगे, कुल बिक्री के लिए 100% का मान निकालेंगे। अगर हमसे सेलर का पूछा होता तो 4% का मान निकालते, तो 4 का मल्टीप्लाई तो उसका शेयर आ जाता 2000। तो 2000 रुपए का इसमें कमीशन होगा, 50,000 रुपए की बिक्री होगी, 48,000 रुपए कंपनी के लिए जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब ये बात आती है कि सर आपने दो दो तरीके से करा दी, हम कैसे करें। देखो भाई, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इन दोनों में मैंने बस एक ही अंतर बताया है कि परसेंटेज में और फ्रैक्शन में बस जब ही अंतर आ जाता है जब हमें परसेंटेज पॉइंट में दिया हो। जैसे 14.28% दिया होता तो 14.28% को यहां से कैलकुलेट करने में, मतलब 100 में से घटाने में जो और इधर करने में वो गलत हो जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते 100 में से सीधा 14.28 को घटाएं और इधर लिख दें बाकी की वैल्यू, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 14.28 जो है वो परफेक्ट मान नहीं है, 8 से भी आगे वैल्यूज उसमें चलती है। तो वहां पर हम जब कभी भी हमें परसेंटेज पॉइंट में दिया होगा तो हम हमेशा फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फिर ऐसी वैल्यू मानेंगे 100 की जगह जो उससे कट जाए। जैसे 14.28 का फ्रैक्शन होता है 1/7, तो फिर यहां पर हम 700 मान के चलेंगे, फिर यहां पे अपने आप वो कट जाएगा, तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे भी कैलकुलेट कर लें, अगर क्वेश्चन आपका जो है माइंड में क्लियर है तो कैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, हर तरीके से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप फिर चाहे ना फ्रैक्शन से कर पाओगे ना परसेंट से, दोनों ही चीजें सेम है, कुछ नहीं है। बस अंतर यहां आ जाता है कि जब चीजें पॉइंट में दी होती हैं तो फ्रैक्शन से करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो चाहे आपको जो चीज अच्छी लग रही हो वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखेंगे आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, एक और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का सेकंड। मैं पढ़ के बता देता हूं, एक कंपनी विक्रेता को 16.66% कमीशन देती है, यदि कुल बिक्री 9,600 रुपए है तो विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। एक कंपनी विक्रेता को 16.66% कमीशन देती है, यदि कुल बिक्री 9,600 रुपए है 9,600, तो विक्रेता का लाभ ज्ञात करें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, और ये एग्जाम में आएगा नहीं, अभी से बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आसान एग्जाम में नहीं आते भाई, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आते हैं। वो क्वेश्चन कौन से आएंगे वो आगे मैं आपको बता दूंगा भाई। ये जो क्वेश्चन है बस आपको समझाने के लिए है, कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए कैसे भी कमीशन का। और एक बार में अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, सॉल्यूशन देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा है कि कमीशन जो है एक विक्रेता को 16.66% का कमीशन दिया जाता है, 16.66% का कमीशन दिया जाता है, ठीक है। और टोटल सेल्स भी दी है, उसने कहा है कि जो विक्रेता कुल बिक्री करता है वो भी दी है, टोटल सेल्स जो दी है वो दी है 9,600 रुपए की, वो बिक्री करता है कुल, ये दिया है। उसके बाद उसने पूछा है कि बताइए विक्रेता का लाभ क्या होगा, मतलब कमीशन पूछा है, विक्रेता को कितने रुपए कमीशन मिला ये पूछा है, ये पूछा है बस, ठीक है। तो ये तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। तो देखो टोटल सेल 9,600, तो बस वही तरीके से जाएंगे हम 16.66। अब यहां पे आप ये नहीं करें कि 100% मान लें फिर इसको उसमें से घटा दें, जैसे मैंने उधर जो तरीका बताया था वैसे नहीं, इसको नहीं करें, क्योंकि यहां पर हमें परसेंटेज पॉइंट में दिख गया तो हम फ्रैक्शन से जाएंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो 16.66% का कमीशन है, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो यहां पर नीचे जो आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो कुल बिक्री का रेशियो आएगा, टोटल सेल्स कितने रुपए की क्यों आएगा, क्योंकि कुल हमेशा कमीशन का जो परसेंटेज है
वो कुल बिक्री पर ही कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से नीचे टोटल सेल्स का ही रेशियो आएगा। ऊपर आएगा कमीशन कितने रुपए है, वो कमीशन जो है वो 1:6 कुल बिक्री है। कंपनी को शेयर कितना हो जाएगा, तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तीनों चीज आ गई हमारे सामने क्लियर, हमारे सामने तीनों चीजें क्लियर हो गई। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है फ्रैक्शन से भाई, तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखो 1:6 का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो 1:6 का मान निकालने के लिए कुल बिक्री दी है 9600, तो कितने रेशियो का मान दिया है 6:6 का मान बराबर दिया है 9600 के। यहां से 1:6 का मान निकालेंगे, 1:6 का मान 6 से 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, 36 6 बार जाएगा 1600 हो जाएगा। 1:6 का मान जैसे ही 1600 आया तो देखो कमीशन आ गया, क्योंकि कमीशन 1:6 ही तो है, उसने हमसे कमीशन ही पूछा है, तो 1:6 का मान ही हमारा कमीशन है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1600 रुपए, आंसर हो जाएगा हमारा 1600 रुपए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो आपने ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं, बस आपको समझाने के लिए लिखी हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो टोटल वैल्यू होती है, मेन जो होती है वो टोटल सेल्स होती है, टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स में अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि कमीशन का परसेंट जो है, बात को ध्यान से समझना, यही समझने वाली बात है, शॉर्ट से शॉर्ट जाना है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा जल्दी। ये कमीशन का परसेंट दिया 16.66%, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो अब यहां से आप ये बताइए कि टोटल सेल्स अगर हमको दी है तो कमीशन का परसेंटेज क्या बनेगा, तो कमीशन का परसेंटेज, सॉरी कमीशन का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो कमीशन का फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो कमीशन बाई 16.66% है, तो उसका फ्रैक्शन 1/6 बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर कमीशन है ये 6 है, ये 1/6 कमीशन का है। अगर हमें निकालना है कंपनी के शेयर का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो कंपनी के शेयर का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना बनेगा भाई, तो 6 टोटल सेल्स है, 1 जो है कमीशन है, तो कंपनी का निकालने के लिए 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5, तो कंपनी का फ्रैक्शन बनेगा 5/6, कंपनी के शेयर का फ्रैक्शन बनेगा 5/6। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कमीशन का परसेंटेज दिया है, सॉरी कमीशन का परसेंटेज दिया है, तो अगर उसका फ्रैक्शन हमने निकाल लिया तो उस फ्रैक्शन को अगर हम कंपनी के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करके, मतलब 6 में से 1 को माइनस करके 5/6 बनेगा, जिससे हम पीछे बहुत सारे टाइपों में बनाते आ रहे हैं। जब दो चीजों का जोड़, जैसे दूध और मिक्सर वाले क्वेश्चनों में हम यही तो कर रहे थे कि हमें पानी का परसेंट दिया था तो दूध में कैसे बनाते थे, घटाने के बाद बनाते थे कि नहीं बनाते थे, क्यों घटा रहे हैं उसका भी रीजन है हमारे पास, किस लिए घटा रहे हैं, कि नीचे जो है वो टोटल सेल्स का रेशियो है, ऊपर जो है वो प्रॉफिट का रेशियो है, टोटल सेल्स में से प्रॉफिट को घटाएंगे तभी कंपनी का रेशियो आएगा। तो कंपनी का रेशियो बनाने के लिए ऊपर क्या चाहिए, कंपनी का चाहिए कि नहीं चाहिए, ऊपर भाई कंपनी का चाहिए और नीचे चाहिए टोटल सेल्स, तो ये है। तो अब क्या करेंगे हम, कि जब कभी भी हमें कमीशन पूछा जाएगा तब तो कुल बिक्री में हम कमीशन के रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब कंपनी का शेयर पूछा जाएगा तो कुल बिक्री में हम कंपनी के शेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में मान के चलो हमें टोटल सेल्स दिया 9600, उसने कमीशन पूछा था तो कमीशन का रेशियो कितना बन रहा है, 1/6, सीधा 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता और मेरा आंसर आ जाता सीधा 1600। इतना कुछ करने की, बस इतनी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगर ये वाली अप्रोच मुझे पता होती तो इतनी सी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ही मान के चलो उसने कंपनी का शेयर पूछा होता, तो अगर उसने कंपनी का शेयर पूछा होता कि कंपनी को कितने रुपए जाएंगे, तो कंपनी का शेयर निकालने के लिए मैं क्या करता, कुल बिक्री 9600 है, अब कंपनी का शेयर पूछा है तो कंपनी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता, कंपनी का कितना फ्रैक्शन है 5/6, 6 से 1 कट जाएगा 1600 बार, 1600 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000, तो ये यहां पर आंसर हो जाता। तो एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये जो हम फ्रैक्शन से करते हैं, ये वाली चीज या तो आप ऐसे थोड़ा सा डिटेल में लिख लो, सारी चीजें स्पष्ट दिखती हैं, और आप शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि आप फ्रैक्शन देखें, कमीशन का कितना बन रहा है 1/6, कंपनी का कितना बनेगा 6 में से 1 को घटाकर 5/6, कंपनी का शेयर पूछा है तो कंपनी के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, कमीशन का पूछा है तो कमीशन के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये कंसेप्ट पर आधारित बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब यहां से आपको कमीशन परसेंट का मतलब उम्मीद करता हूं बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, कमीशन परसेंट में क्या क्या वैल्यूज आती हैं, कंपनी का शेयर क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कुल बिक्री क्या होती है, ठीक है भाई। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो भाई आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन,
तो उसको पढ़ेंगे। तो देखो, एक कंपनी एक विक्रेता को 10% से कमीशन देती है। विक्रेता ने पहले दिन 50 रुपए और इसके बाद प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 50 रुपए अधिक की बिक्री की, तो बताओ 10 दिन बाद उसने कंपनी को कमीशन हटाने के बाद कितने रुपए लौटाए। थर्ड क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे ही आधारित है, जो मैंने आपको अभी बताया उसी पर आधारित है। समझेंगे क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे। जब तक भाई आप कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा भाई। और देखो, एक चीज मैंने अभी आपको पीछे बताई है, वैसे पुरानी वीडियो में क्वेश्चन में ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं और जो यहां पे आपको दिख रहा है उसमें लैंग्वेज में मतलब अंतर आ जाता है, तो उसका रीजन ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन लगता है जो तुमको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि एडिटिंग में लगाया जाता है, मुझे क्वेश्चन यहां नीचे देखना पड़ता है, तो वो हो जाता है। तो वो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चनों में जो हुआ है तो उसको आप समझ लें, जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं उसी के अनुसार मेरा सॉल्यूशन चल रहा होगा। तो पीपीटी में अगर थोड़ी सी लैंग्वेज अलग दिखती है तो आपको उसको करेक्ट कर लिया करें, लिखते टाइम करेक्ट कर लिया करें, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, एक विक्रेता को 10% से कमीशन दिया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन को अब हटा देता हूं, सॉल्यूशन देखेंगे तीसरे क्वेश्चन का। उसने कहा है कि एक विक्रेता को, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, विक्रेता के कमीशन को लिखूंगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमको दिया है भाई 10%। उसके बाद उसने कहा है एक विक्रेता पहले दिन 50 रुपए की बिक्री करता है और फिर उसके बाद क्या कहा है कि उसके बाद 50 रुपए अधिक की 50 रुपए की बिक्री करता है, इसके बाद प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 50 रुपए अधिक की बिक्री करता है। इसका मतलब भाई 10% हमें कमीशन तो पता लग गया, लेकिन जब तक हमें टोटल सेल्स नहीं पता होगी तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कंपनी का हिस्सा क्या होगा और मतलब जो कमीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें टोटल सेल्स पता होनी चाहिए, लेकिन टोटल सेल्स पता नहीं है, तो वो बिक्री कैसे कर रहा है, वो बिक्री टोटल सेल्स हमें यहां से इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। पहले टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कैसे निकलेगी, उसने कहा पहले दिन में 50 रुपए की बिक्री करता है, ठीक है भाई, अगले दिन पहले दिन की तुलना में 50 रुपए अधिक की बिक्री करता है, तो 50 रुपए की पहले दिन में करेगा तो नेक्स्ट डे में 50 और 50 कितने की करेगा, 100 की करेगा, प्लस उसके बाद फिर 50 रुपए अधिक की करता है, तो इसका मतलब 150 की। और इसी चीज को ये कितने दिन तक करता है भाई, 10 दिन तक इसी काम को करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों टोटल सेल्स निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ा पाएंगे। तो टोटल सेल्स के लिए हमें पता लग गया कि ये भाई समांतर श्रेणी बन रही है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है पहला टर्म, प्रथम पद जिसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म ए का मान जो है वो तो हो गया 50, और सार्वंतर मतलब डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 50, डी का मान कितना हो गया 50। समांतर श्रेणी वैसे तो आपको 10th 12th में पढ़ा दी जाती है, अगर नहीं आती है तो मैं यहां पर समझा देता हूं। पहला टर्म ए से डिनोट करेंगे, वो पहला टर्म जो होता है सीरीज का वो, उसके अलावा डिफरेंस समान होता है, जैसे यहां पर भी देखो 50 डिफरेंस होगा, यहां पर भी डिफरेंस है, ऐसे ही आगे तक चलता चला जाएगा। और 10 दिन की बात कर रहा है तो एन का मान कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, इन सारे टर्मों का हमें सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में टर्म के जोड़ का, एस एन का फॉर्मूला होता है, यहां पर हमें 10 टर्म है तो 10 पदों का योग निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले मैं फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एन टर्म के योग का, ठीक है। तो इसी को हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं, तो 10 पदों का निकालना है हमें, तो एस टेन निकालना पड़ेगा, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, कैलकुलेशन को शॉर्ट करते चलते हैं। 2a का मतलब 50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 में से घटाएंगे 9, और d का मान कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 450। तो 450 और 100 कितना हो गया भाई, तो ये हो जाएगा आपका 550 और मल्टीप्लाई 5, तो यहां पर टोटल सेल्स हमारे पास आ जाएगी 550 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा 0, 25 5 2 और 2750, ये आ गई टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितने रुपए की आ गई, 2750 रुपए की। तो हमारे पास निकल के आ गया कि विक्रेता 10 दिन में कुल 2750 रुपए की बिक्री करेगा। अब क्वेश्चन हमारे लिए हो गया आसान, अब क्वेश्चन भाई बहुत आसान हो गया।
ये हो गया 2750 कुल बिक्री। कमीशन का परसेंट हमें पता है, कमीशन का परसेंट कितना है 10%। अब उसके बाद देखेंगे पूछा क्या है, तो उसने पूछा है बताइए विक्रेता अपनी बिक्री मतलब अपना लाभ काटने के बाद कंपनी को कितने रुपए लौटाएगा। इसका मतलब कंपनी का शेयर बताना है, तो कंपनी का शेयर कैसे निकालेंगे भाई, टोटल सेल्स कितनी है और कंपनी का शेयर निकालना है, तो कंपनी का शेयर निकालने के लिए कंपनी के शेयर के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कमीशन का फ्रैक्शन कितना बनेगा 10% का 1/10। लेकिन हमें इसे कंपनी के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अभी पीछे बता चुका हूं बार बार नहीं बताऊंगा, तो 10 में से 1 को घटाकर तो कंपनी का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 9/10, बस उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10, तो सीधा कंपनी शेयर आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 45 5 4, 9 7 63 और 4 67 7 6, 9 18 24, वो कंपनी को अपना लाभ काटने के बाद 2475 रुपए लौटाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन पे है 2475, ए ऑप्शन पे, तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने इसमें, पहले हमने टोटल सेल्स निकाली, फिर उसके बाद तो हमने जो बताया उसी से गए हैं, पहले हमने कमीशन का जो फ्रैक्शन है, ये कमीशन का, ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन है भाई, ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन है, ये कंपनी को जितने रुपए गए उसका फ्रैक्शन है, तो ये कंपनी का फ्रैक्शन है, कंपनी के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का ही बताना है हमें, तो यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक कंपनी के अलग अलग दो वस्तुओं पर कमीशन अलग अलग है, एक विक्रेता चार वस्तुएं दी गई जिसमें से एक टीवी है जिसका मूल्य 20,000 रुपए है जिस पर 10% कमीशन है, फ्रिज है जिसका मूल्य 15,000 रुपए है जिस पर 20% कमीशन है, और वॉशिंग मशीन है जिसका मूल्य 8,000 रुपए है 1% कमीशन है, कूलर पर 2% कमीशन है जिसका मूल्य 5,000 रुपए है, तो विक्रेता को सभी वस्तुओं पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ और कंपनी को उसने कितने रुपए लौटाए ये बताना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन ये केवल आपको कमीशन को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हैं, जिससे आपकी समझ में ये चीजें आ जाए कि कमीशन क्या है, फिर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे वो हम इससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें मैं आपको कमीशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पीछे वाले एग्जामों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, तो सॉल्यूशन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, भाई चार आर्टिकल हैं, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिएगा, चार आर्टिकल हैं, एक टीवी है, दूसरा आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और उसके बाद लास्ट में एक कूलर है, ये चार आर्टिकल हैं। ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इसको मैं बेसिक से बताऊंगा आपको, टीवी का मूल्य उसने दिया है 20,000 रुपए, आर्टिकल का प्राइस देख लेते हैं, टीवी का मूल्य उसने 20,000 रुपए दिया है, फ्रिज का मूल्य उसने 15,000 रुपए दिया है, वॉशिंग मशीन का मूल्य उसने 8,000 रुपए दिया है, कूलर का मूल्य उसने 5,000 रुपए दिया है। ठीक है, तो ये जो है प्राइस है, इसका मतलब एक कोई विक्रेता होगा, उसको कंपनी ने अपनी कंपनी में बनने वाली चार चीजें दी, टीवी दी, फ्रिज दी, वॉशिंग मशीन दिया, कूलर दिया, और उन सभी के प्राइस ये बताए कि भाई टीवी को आपको 20,000 में बेचना है, फ्रिज को आपको 15,000 में बेचना है, वॉशिंग मशीन को आपको 8,000 में बेचना है, कूलर को आपको 5,000 में बेचना है। फिर उसके बाद उसने क्या हुआ किया होगा, फिर उसके बाद उसने इन सभी आर्टिकलों पर जो विक्रेता है उसका लाभ निश्चित कर दिया होगा, तो उसी को हम कहते हैं कमीशन। तो विक्रेता को कितने परसेंट का कमीशन दिया जा रहा है, तो सभी आर्टिकलों पर भाई अलग अलग है, 20,000 रुपए टीवी है जिस पर 10% कमीशन है, मतलब टीवी पर कमीशन का परसेंट है 10%। देखो बात को ध्यान से समझना, तो टीवी पर कमीशन का परसेंट है 10%, फ्रिज पर कमीशन का परसेंट है 20%,
पर कमीशन का परसेंट है 1%, ओनली 1%, और कूलर पर 2%, ये कमीशन का परसेंट है। बस ये वाली चीज दी है। फिर उसके बाद उसने कहा विक्रेता को सभी वस्तुओं पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना और कितने रुपए लौटाइए, ये दो चीजें बतानी है। तो देखो बहुत आसान है क्वेश्चन को करना, सीधा सीधा निकालना है भाई। 10% का कमीशन है 20,000 पर, तो 10% की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो अगर मैं 1/10 निकालूंगा इस 20,000 का, तो ये निकल के आएगा कि सेलर का इसमें प्रॉफिट कितना हो गया। और अगर मैं इसको घटाकर इसका 9/10 निकालूंगा तो कंपनी को जाने वाले आ जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैं 1/10 निकाल लूं तो केवल सेलर का प्रॉफिट आ जाएगा, उसको 20,000 में से घटा दूं तो सीधा सीधा कंपनी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सबके कमीशन निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं सभी आर्टिकलों पर कितने कितने रुपए का कमीशन गया। तो ये वाली लाइन में कमीशन निकाल लेते हैं, तो इसका 1/10, तो टीवी पर उसको मिलेगा 2,000 रुपए का कमीशन, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5×15 3,000, तो यहां पर मिलेगा उसे 3,000 का कमीशन। 1%, तो 1% निकालेंगे इसका तो 1/100 दो जीरो कट जाएंगे, तो कितने रुपए का मिलेगा 80 रुपए का। 2% निकालेंगे तो दो जीरो कट जाएंगे, कितने रुपए मिलेगा 100 रुपए का। इसका मतलब विक्रेता को टीवी पर 2,000 रुपए का कमीशन मिलेगा, फ्रिज पर 3,000 रुपए का कमीशन मिलेगा, वॉशिंग मशीन पर 80 का और यहाँ पर 100 का। तो टोटल कमीशन विक्रेता को कितना मिला उसमें हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर 2,000, 3,000, 5,000, 5,180, तो हमारा कमीशन आ जाएगा 5,180 रुपए, कुल कमीशन आ गया भाई 5,180 रुपए का। अब उसके बाद कंपनी को कितने रुपए लौटा ये निकालना है। तो कंपनी को कितने रुपए लौटा है इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुल बिक्री में से और सीधा कमीशन को भी घटा सकते हैं, उसके अलावा इनपे अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो देखो कंपनी को कितने रुपए लौटा है, तो 20,000 में से 2,000 कमीशन चला गया, तो 18,000 तो कंपनी को वो टीवी के लौटाएगा, कैसे भी निकाल लो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 15,000 में से 3,000 यहां चले गए तो बाकी के 12,000 यहां पर लौटाएगा, प्लस 80 रुपए चले गए यहां पर, यहां पर कितने लौटाएगा 7,920 रुपए लौटाएगा। 8,000 है, 80 रुपए जाएंगे मात्र, तो 7,920 लौटाएगा, यहां पर कितने लौटाएगा 100 रुपए जाएंगे, तो यहां पर लौटाएगा 4,900 रुपए। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कंपनी को जाने वाला धन आ जाएगा 18,000, 12,000 कितना हो गया 30,000, 30,000 और 4,000 34,900 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लो पहले, तो इस सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके सीधा सीधा लिख देते हैं। तो देखो 0,000, ऐसे ही दूसरी सेकंड में जीरो है तो 2,02, 9, 18, 8, 1, 5, 12, 2, 14, 8, 22, 2, 1, 3, 4, तो ये हो जाएगा 42,820। 42,820 कंपनी को लौटाएगा, कुल बिक्री कितनी है 20,000, 15,000 और ये सबको ऐड कर देंगे तो कुल बिक्री आ जाएगी। तो यहां से इस क्वेश्चन का टोटल निष्कर्ष ही हो गया 20,000, 15,000 कितना हो गया 35,000, 35,000 और 5,000 कितना हो गया 48,000 रुपए की, तो उसने टोटल बिक्री की। इन सभी आर्टिकलों को अगर वो बेच लेगा तो टोटल सेल्स हमारी 48,000 की आ जाएगी, उसमें से 5,180 कमीशन के रूप में जाएगा। जो अलग अलग आर्टिकलों पर अगर पूछा जाएगा तो ये आपके सामने दिख रहा है किस पर कितना गया है। उसके बाद इसको इसमें से घटा देंगे 48,000 में से, तो बाकी के 42,820 रुपए जो है वो कंपनी को लौटा कर दे देगा इन सभी आर्टिकलों को सेल करने के बाद। तो इसमें चीजें पूछी थी, कमीशन पूछा था और कंपनी का प्रॉफिट पूछा था, ये है। इसकी क्लास का पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, पांचवे क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं पढ़ के बता देता हूं। पांच वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार हैं कि पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का 50% है, दूसरी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का 50% अधिक है, चौथी वस्तु का मूल्य तीसरी वस्तु से 33.3% अधिक है, पांचवी वस्तु का मूल्य चौथी वस्तु से 25% अधिक है, पांचों वस्तुओं पर कमीशन क्रमशः 10%, 5%, 15%, 20% और 3% है। तो बताइए विक्रेता को कुल बिक्री पर एकमात्र कितने प्रतिशत से कमीशन दिया जाए कि विक्रेता के लाभ पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीछे जो मैंने परसेंटेज में आपको टाइप कराए हैं भाग वाला और इनिशियल फाइनल वाला, ये हर जगह आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। तो एक बात बताइए कि जो पांच आर्टिकल हैं, इन पांचों आर्टिकलों पर
अलग अलग जो कमीशन मिलेगा, मेरे कहने का मतलब देखो क्वेश्चन को समझेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, मैं अब क्वेश्चन को हटा देता हूँ, सॉल्यूशन समझेंगे पांचवें क्वेश्चन का। जैसे मान के चलो पहले आर्टिकल पर C1 कमीशन मिला, दूसरे आर्टिकल पर C2 कमीशन मिला, तीसरे आर्टिकल पर C3 कमीशन मिला, चौथे पर C4 मिला, C5 मिला, इन सभी का जोड़ ही तो टोटल कमीशन के बराबर होगा कि नहीं, ये बताइए। टोटल कमीशन के बराबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो टोटल कमीशन के बराबर सभी आर्टिकलों के, अगर सभी आर्टिकलों पर अलग अलग मिलने वाले कमीशन को जोड़ा जाए तो कुल कमीशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। और इनमें आपको परसेंटेज में कमीशन दिया है मान के चलो, तो अगर हमें किन्हीं भी आर्टिकलों के प्राइस पता हो और उनमें कमीशन का परसेंटेज बताओ तो टोटल कमीशन परसेंट निकाल लें, तो वो वाली चीज हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था भाग वाला टाइप कहां लगाना है, जब कई चीजों का जोड़ किसी के बराबर हो, जैसे कई वस्तुओं के मूल्यों का जोड़ टोटल मूल्य के बराबर होगा, कई वस्तुओं पर कमीशनों का जोड़ टोटल कमीशन के बराबर होगा, तो वह हम भाग वाला टाइप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वही यहां पर लगाना है। यही क्वेश्चन को पहचानना बस आपको आ जाए ना कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से करना है, बस आप क्वेश्चन को देख जान जाओगे इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि इसमें ऊपर जो परसेंटेज दिए हैं वो वस्तुओं के मूल्य का रेशियो बनाने के लिए दिए हैं, तो सबसे पहले वस्तुओं के मूल्य का रेशियो बना लेते हैं। तो उसने कहा है कि पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का 50% है। देखो पांच आर्टिकल है, पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का 50% है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का, इसका मतलब आर्टिकल 1 का रेशियो ऊपर आएगा, आर्टिकल 2 का रेशियो नीचे आएगा। देखो बात को ध्यान से समझ से चलना, रेशियो बना रहे हम। उसके बाद क्या कहा उसने, तीसरी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु से 50% अधिक है, तो 50% अधिक तो +50%, तो +50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 3/2। भाई +50% मैंने बताया, 50% अधिक का कैसे बनेगा, 2 और 1 3/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चीजें पीछे बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पीछे वीडियो देखे, फ्रैक्शन का जितनी वीडियो उनको देखे तब भाई इस वीडियो पे आए। तो 50% प्लस हो जाएगा, तो 3/2 कौन से आर्टिकल का, तीसरे आर्टिकल का, और कौन से दूसरे से, तो A2 का रेशियो नीचे, A3 का ऊपर। उसके बाद उसने कहा कि चौथी वस्तु का मूल्य तीसरी वस्तु से 3% अधिक है, तो 33% अधिक का क्या रेशियो बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा 4/3। क्या कहा है, चौथी वस्तु का मूल्य और तीसरी वस्तु से, तो A4 का रेशियो ऊपर और A3 का रेशियो नीचे। उसके बाद उसने कहा है पांचवी वस्तु का मूल्य चौथी वस्तु से 25% अधिक है, तो अधिक का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/4। कौन सी वस्तु का मूल्य, पांचवी वस्तु का मूल्य कौन सी वस्तु से, A4 का रेशियो नीचे और A5 का रेशियो ऊपर। देखो यहां से सभी आठ रेशियो समान है कि नहीं, यहां पर A2 का मान दो, यहां पर A2 का मान दो, इसका मतलब ये दोनों रेशियो सही है। यहां पर A3 का मान, A3 का मान 3, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब तीनों रेशियो सही है। उसके अलावा यहां पर A4 का 4, यहां पर भी 4, इसका मतलब सारे रेशियो बिल्कुल करेक्ट है, हम सभी आर्टिकलों के मूल्य का रेशियो यहां से लिख सकते हैं। अगर समान नहीं होते तो उनको समान हमें करना पड़ता, तो आर्टिकल 1 रेशियो आर्टिकल 2 रेशियो आर्टिकल 3 रेशियो आर्टिकल 4 और रेशियो आर्टिकल 5, सभी के मूल्यों का रेशियो बराबर होगा टोटल सेल्स के, टोटल सेल्स कितने रुपए की हुई है वो। तो पहले आर्टिकल का मूल्य 1:1 है, दूसरे आर्टिकल का 2:1 है, तीसरे का 3:1 है, चौथे का 4:1, 5, और टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 15 रेशियो बन गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया रेशियो मैंने कैसे बनाया है। अब क्वेश्चन हो गया, अब देखते जाओ किस आर्टिकल पे कितने परसेंट का कमीशन है। तो इसने कहा है कि पहली पर 10% का कमीशन है, तो उसका रेशियो कितना, 1, एक मूल्य पर 10% का कमीशन मिलेगा, तो कितना परसेंट कमीशन मिल जाएगा, यहां से 10% का मिल जाएगा। यहां पर 20% दूसरे वाले आर्टिकल पर कितना है, 5%, तो 5% का कमीशन है और 2 उसका रेशियो है, तो 5 × 2 यहां से कितना मिलेगा, टोटल कमीशन निकालेंगे तो 10% मिलेगा। ऐसे तीसरे वाले आर्टिकल पर 15% है और 3 इसका रेशियो है, तो मल्टीप्लाई 15%, तो यहां से कितना मिलेगा, 15 × 3 45% कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही चौथे वाले आर्टिकल पर कितना है, 20% और 4 इसका रेशियो है, तो मल्टीप्लाई 20%, तो 20 × 4 = 80% कमीशन मिलेगा। लास्ट वाले पर 3% है, तो मल्टीप्लाई 3% कितने परसेंट से मिलेगा, 15% से। तो उसने टोटल कमीशन पूछा है इन सभी के बराबर मात्र एक, तो टोटल कमीशन के लिए सबको ऐड कर देंगे,
तो ऐड करेंगे तो 15 और 45 कितना हो गया भाई, 15 और 45 हो गया 60, 60 और 80 कितना हो गया 140, 150, 160 टोटल कमीशन हो जाएगा 160%। और कितने भाग है टोटल सेल्स, भाग से डिवाइड करना ना भूलें, 15, 5 से कैंसिल करें 3 बार कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, आंसर आ जाएगा 32/3, भाग देंगे 3 से तो 10 सही 2/3% का एक कमीशन, मतलब 10.66%। तो अगर अब इस 10.66% हमारा आंसर हो गया, कौन से ऑप्शन पे है, ये ए ऑप्शन पे है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का ए। अब ये 10.66% क्या है और ये क्या है, देखो ये 5 वस्तुएं सेलर जो सेल कर रहा है और ये सेल्स हो गई, इन 5 वस्तुओं पर वो अलग अलग कमीशन जितने जितने परसेंट से दे रहा है उन सभी का इनके मूल्यों में मल्टीप्लाई करके यहां पर कर लेंगे, तो इन सभी को ऐड करने पर ये टोटल कमीशन आ जाएगा कितना, और टोटल भाग कितना है 15 से डिवाइड करना बोलना, भाग वाले क्वेश्चन को ऐसे को सॉल्व करना है, जब कभी भी अलग अलग आर्टिकलों पर अलग अलग परसेंटेज में कमीशन दिया हो फिर आपसे ये पूछे कि एकमात्र कमीशन परसेंट बताइए जो कुल बिक्री पर दिया जाए तो विक्रेता के लाभ पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकलों के मूल्यों का रेशियो बनाए, उसके बाद कमीशन परसेंट का मल्टीप्लाई करके टोटल कमीशन निकाल के भाग से डिवाइड करके, तो ये 10.66% जो है ये क्या है, ये 10.66% उस कमीशन का परसेंट है जो इन सब पर ये अलग अलग न देकर मात्र एक कमीशन दे दिया जाए कुल बिक्री पर, तो दोनों केसों में सेलर को समान धन मिलेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हमने कमीशन का कंसेप्ट पढ़ा और उसी कंसेप्ट पर आधारित 5 क्वेश्चन देखे, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे कमीशन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि कमीशन का कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या कमीशन से और क्वेश्चन जो बन सकते हैं या पुराने वाले समय में पूछे गए उन क्वेश्चनों के साथ मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास लेने के लिए, तो कमीशन में जब वो क्लास आप पढ़ लेंगे तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पहले मैंने बताया है मैं किस प्रकार से आपको चीजों को करा रहा हूं, पहले आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उसमें 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस का एक क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आपके उस प्रैक्टिस सेशन में खत्म हो जाए। तो वही मैं उम्मीद करता हूं आज का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। आगे के प्रैक्टिस सेशन को हम लेके आएंगे जिसमें कमीशन के और क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।